तो गाइस पार्ट 3 आ गया है शाहरुख खान की ऑल मूवी लिस्ट का। 2002 में आती है देवदास और ये हिट रहती है। 2002 में आती है शक्ति द पावर और ये मूवी फ्लॉप रहती है। 2003 में आती है चलते चलते और ये मूवी हिट रहती है। 2003 में आती है कल हो न हो और ये मूवी हिट रहती है। 2004 में आती है ये लम्हे ले जाएंगे और ये मूवी फ्लॉप रहती है। 2004 में आती है मैं हूँ ना और ये मूवी हिट रहती है। 2004 में आती है वीर यारा और ये मूवी सुपर हिट रहती है। 2004 में आती है स्वदेश और ये मूवी फ्लॉप रहती है। 2005 में आती है पहली और ये मूवी फ्लॉप रहती है। 2006 में आती है कभी अलविदा न कहना, ये मूवी सेमी हिट रहती है। 2006 में आती है डॉन और ये मूवी हिट रहती है। 2007 में आती है चक दे इंडिया और ये मूवी सुपर हिट रहती है। 2007 में आती है ओम शांति ओम और ये भी मूवी सुपर हिट रहती है। 2008 में आती है रब ने बना दी जोड़ी और ये मूवी सुपर हिट रहती है। 2009 में आती है बिल्लू और ये मूवी फ्लॉप रहती है। 2010 में आती है दूल्हा मिल गया, ये मूवी भी फ्लॉप रहती है। फिर 2010 में आती है माय नेम इज खान, ये मूवी सेमी हिट रहती है। 2011 में आती है रावण और ये मूवी हिट रहती है। फिर 2011 में आती है डॉन 2 और ये मूवी हिट रहती है। 2012 में आती है जब तक है जान और ये मूवी हिट रहती है। 2013 में आती है चेन्नई एक्सप्रेस और ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहती है। 2014 में आती है हैप्पी न्यू ईयर और ये मूवी हिट रहती है। 2015 में आती है दिलवाले और ये मूवी सेमी हिट रहती है। 2016 में आती है फैन और ये मूवी फ्लॉप रहती है। 2016 में आती है डियर जिंदगी और ये मूवी हिट रहती है। 2017 में आती है रईस और ये मूवी सेमी हिट रहती है। 2017 में आती है जब हैरी मेट सेजल और ये मूवी फ्लॉप रहती है। 2018 में आती है जीरो और ये मूवी फ्लॉप रहती है। 2023 में आती है पठान और ये कितने मूवी के रिकॉर्ड तोड़ सकती है, कमेंट में बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।